बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिक एनिमल शेड एंड वेटरनरी डिस्पेंसरी। द सिक एनिमल शेड इज़ लोकेटेड सफिशेंटली अवे फ्रॉम अदर एनिमल शेड्स टू डिक्रीज चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम सिक एनिमल्स टू हेल्दी एनिमल। जो ये सिक एनिमल शेड होता है, सिक एनिमल शेड, ये शेड हम किन के लिए बनाते हैं? जो बीमार एनिमल्स रहते हैं, जो बीमार हो जाते हैं, इन एनिमल्स को सिक एनिमल शेड में रखा जाता है। इज लोकेट, जो ये सिक एनिमल शेड होता है, इज लोकेटेड सफिशिएंटली अवे फ्रॉम अदर एनिमल शेड्स। जो नॉर्मल एनिमल शेड्स होते हैं उनसे बहुत दूर ये बनाया जाता है। टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, ताकि डिजीज स्प्रेड ना हो जाए। फ्रॉम सिक एनिमल्स टू हेल्थी एनिमल्स, ताकि जो सिक एनिमल्स हैं उनका डिजीज जो हेल्थी एनिमल्स को ना लगे। इसलिए ये सिक एनिमल शेड जो है वो काफ़ी दूर एक डिस्टेंस पर बनाया जाता है, जो नॉर्मल एनिमल शेड होते हैं उनसे काफ़ी दूर बनाया जाता है। दिस शेड हैज़ डायमेंशन सिमिलर टू द क्लेविंग पेन। जो ये क्लेविंग पेन है, क्लेविंग पेन, अगर हम देखें जो सिक एनिमल शेड जो है इसके डायमेंशन, जो लेंथ ब्रेड्थ जो होती है वो सिमिलर होती है किसके? क्लेविंग पेन के। जो क्लेविंग शेड होता है, जो उसके डायमेंशंस होते हैं उसी तरह सिक एनिमल शेड के डायमेंशंस ऐसे ही होते हैं। पैडॉक ऑफ दिस शेड इज पेवड एंड रेगुलरली वॉश्ड। जो पैडॉक होता है इस शेड का, उसको रेगुलरली वॉश किया जाता है। पैडॉक इज इक्विप्ड विथ ट्रीटमेंट क्रेट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। जो पैडॉक होता है इसमें एक ट्रीटमेंट क्रेट होती है एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, एक कॉर्नर पर। ए सेपरेट रूम ऑफ 3 मीटर × 4 मीटर विथ डिस्पेंसिंग काउंटर, एक अलग रूम होता है इधर विथ डिस्पेंसिंग काउंटर, शेल्वस, सिंक, पावर प्लग्स एंड कप बोर्ड्स आर प्रोवाइडेड इन सिंक एनिमल शेड। एक सेपरेट रूम जिसमें आप देखोगे डिस्पेंसिंग काउंटर, शेल्वस, सिंक, पावर प्लग्स एंड कप बोर्ड्स आर प्रोवाइडेड इन सिंक एनिमल शेड, इस रूम में होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।